गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 7 द यूनाइटेड नेशंस। ओके, टुडे वी विल सी ऑर्गन्स ऑफ द यूएन इन पार्ट 2। ओके, सो देयर आर 6 ऑर्गन्स इन यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन एंड फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली। ओके, जनरल असेंबली मींस सामान्य सभा। ओके, द जनरल असेंबली इज द मेन ऑर्गन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली ये मुख्य अंग होता है, भाग होता है। इट इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। और ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन की एक संसद की तरह होता है। ईच मेंबर स्टेट हैज वन वोट इन जनरल असेंबली और ईच मेंबर स्टेट और हर स्टेट का एक वोट इस जनरल असेंबली में होता है। इट मीट्स एवरी ईयर इन सितंबर टू डिस्कस एंड डिबेट इश्यूज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। और ये जनरल असेंबली हर साल सितंबर में होता है और जिसमें देश दुनिया की जितने भी समस्याएं होती हैं, है ना, उन पे चर्चा करती हैं और संसार में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की चर्चा होती है और उस पे वे काम करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल असेंबली। और नेक्स्ट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ओके, द सिक्योरिटी काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी काउंसिल, इसके नाम से ही पता लग रहा है, सुरक्षा है ना। तो इसका मुख्य काम है कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ओके, इट हैज 15 मेंबर्स, 5 ऑफ विच आर परमानेंट। और इसमें 15 कंट्रीज है और उनमें से 5 कंट्रीज जो है एक परमानेंट है और बाकी अस्थायी रूप से है। ओके, टेम्पोररी। चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम ये परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, द रेस्ट आर नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। और बाकी जो 10 कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट हैं, अस्थाई हैं और जिन जिनका चुनाव हर 2 साल के लिए किए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना। और थर्ड है आर्थिक और सामाजिक परिषद। The UN has created a network of agencies to help the poor. और United Nation एक agencies का network बना चुकी है ताकि लोग उन agencies और उन माध्यम के द्वारा लोगों का, गरीब लोगों का help हो सके, है ना। Poor लोग, गरीब लोग और अशिक्षित लोगों का मदद हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है। दिस एजेंसीज लुक आफ्टर इशूज सच एज ह्यूमन राइट, इक्वालिटी ऑफ वुमन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। और ये जो एजेंसीज होते हैं, हम देखते हैं कई कंपनियों के कई एजेंसीज होते हैं, है ना, उसी तरह से ये एक एजेंसीज का नेटवर्क बना चुके होते हैं और ये एजेंसीज लोगों के बीच में उनके राइट्स को देखते हैं, उनकी इक्वालिटी और उनके बीच में जो भी कार्यकाज चलते हैं उनको देखते हैं और उनको हेल्प करते हैं। ओके, द वर्क ऑफ दिस एजेंसीज इज कोऑर्डिनेटेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इनके काम इकोनॉमिक और सामाजिक परिसर के आधार पे चलती है, ठीक है।
और नेक्स्ट ऑर्गन है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल मतलब होता है न्यायधारिता, ओके, न्यायधारिता का परिषद, ठीक। और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड टू सुपरवाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटोरीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसका एस्टैब्लिशमेंट सुपरवाइज और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किया गया है ना। सुपरवाइज मतलब कंट्रीज में देखना और उसमें शासन करना है ना, और देखरेख करना, ये इसका काम होता है। विच वेयर नॉट इंडिपेंडेंट देन, और ये मतलब जो स्वतंत्र नहीं है उन पे इन लोग नजर रखते हैं। नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट, और अब वे सभी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो चुके हैं। जिस समय वे इंडिपेंडेंट नहीं थे उस समय ये ट्रस्टीशिप काउंसिल उस पर नजर रखती थी, उसका सुपरवाइज करती थी, है ना। पर अभी ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो लॉन्गर फंक्शनल। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी नहीं है, इसका कार्य अभी नहीं चल रही है, ओके। और नेक्स्ट है सेक्रेटरिएट, सचिवालय। द सेक्रेटरिएट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन। सचिवालय का मुख्य काम है कि यूएन के जितने भी कामकाज होते हैं, है ना, दिन प्रतिदिन का उसका लेखा जोखा रखना, है ना। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेड डाउन बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। और ये अन्य ऑर्गन्स में जो भी नीति और कार्य योजना होती है सभी का देखरेख भी करती है, ओके। और सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट, और सेक्रेटरी जनरल है ना, ये सचिवालय का हेड व्यक्ति होता है, ठीक। फिर अगला ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, अंतरराष्ट्रीय अदालत, न्याय का अदालत, है ना। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये प्रिंसिपल बहुत ही मुख्य मतलब न्याय ऑर्गन है, ओके। इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड एडवाइसेस मेंबर्स स्टेट्स ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और ये ऑर्गन कंट्री में जो भी डिप्यूट्स होते हैं, ओके, जो भी किसी भी तरह का विवाद होते हैं कंट्रीज के बीच में, उनमें ये सलाह मशवरा करती हैं, एडवाइसेस देती हैं और उनको सेटल करती हैं, है ना, ठीक है। द लो कोर्ट हैज, द कोर्ट हैज 15 जजेस, और कोर्ट में अदालत में 15 जजेस हैं। द जजेस आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 9 years, और सारे जजेस 9 years के लिए वे इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं, ओके। और इसका जो मुख्यालय होता है वो नीदरलैंड में स्थित है, ओके। सो आज के लिए यहीं तक, और बाकी का जो पोर्शन है उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ओके। गॉड ब्लेस यू।